खबर यूपी कांग्रेस से जुड़ी है। यूपी कांग्रेस नेतृत्व में बड़े फेरबदल की तैयारी है। निकाय चुनाव के नतीजों से पार्टी हाईकमान नाखुश बताया जा रहा है। जिम्मेदारी नहीं निभाने वाले नेताओं पर एक्शन की तैयारी है। सजातीय सम्मेलन की जिम्मेदारी लेने वाले नेताओं पर एक्शन की तैयारी। संगठन के कामकाज में रुचि नहीं लेने वाले नीरस नेताओं पर भी एक्शन होगा। तो देखिए, 24 से पहले आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत लग रही है कांग्रेस को। यूपी लखनऊ से दिल्ली का रास्ता निकलता है, ऐसे में निकाय चुनाव ने सोचने पर मजबूर कर दिया कांग्रेस को कि अब जरा एक्शन लिया जाए। तो खबर मिल रही है कि पार्टी हाईकमान नाखुश बताया जा रहा है। बहुत जल्द हो सकता है कि एक लिस्ट बने और नेताओं पर गाज गिरे। आईपीएस अनिरुद्ध सिंह के रिश्वत मांगने वाले वीडियो की जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंपी जा रही है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर अशोक जैन ने डीजीपी मुख्यालय को यह जांच रिपोर्ट सौंपी है। यह बड़ी खबर मिल रही है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात डीआईजी संतोष कुमार सिंह कर रहे थे जांच। वाराणसी के नामचीन स्कूल संचालक से रिश्वत मांग का यह वीडियो वायरल हुआ था, इसी पर जांच बिठाई गई थी। इस जांच की जिम्मेदारी डीआईजी संतोष कुमार को दी गई थी और खबर ये मिल रही है कि इन्होंने जांच पूरी करके रिपोर्ट सबमिट कर दी है। 12 मार्च को एक वीडियो वायरल हुआ था, आईपीएस अनिरुद्ध सिंह के ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही थी, लेकिन उससे पहले जांच बिठाई गई और बताया जा रहा है कि ये जांच पूरी हो चुकी है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात डीआईजी संतोष कुमार सिंह को ये जिम्मेदारी मिली थी कि वो जांच करे और अब उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।